नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रयागराज शूटआउट के बाद लगातार बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। सबसे पहले जफर अहमद के घर पे बुलडोजर चला, उसके बाद सफदर अली के, और उसके बाद तो न जाने कौन कौन चपेट में आ गया, और लगातार बुलडोजर चलता ही जा रहा है। इसी बीच दूसरे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के मऊ स्थित दक्षिण टोला के जहांगीराबाद इलाके में स्थित मकान पे बुलडोजर चल गया है, और ये दोनों भाइयों का मकान बताया जा रहा है। बुलडोजर ने इस दो मंजिला मकान को ध्वस्त कर दिया है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। देखा बुलडोजर गरज रहा है, चल रहा है, मकान को ध्वस्त कर रहा है। किसी जमाने में मुख्तार अंसारी के सामने डीएम और एसपी पानी भरा करते थे। गाजीपुर जेल में उनके मिजाज को खुश रखने के लिए डीएम खुद बैडमिंटन खेलने के लिए जाते थे। तालाब खुदवा करके मछली पाली जाती थी ताकि जनाब को ताजी मछली मिले। और आज उसी मुख्तार अंसारी की अवैध प्रॉपर्टी खोज खोज करके जब्त की जा रही है और बुलडोजर चला करके तोड़ी जा रही है। अब्बास अंसारी मऊ से विधायक हैं और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो चित्रकूट जेल में बंद हैं, जहां पे उनकी पत्नी निकहत अंसारी जब बिना किसी रिकॉर्ड के मिलती हुई पाई गई थी तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसमें जेलर, डिप्टी जेलर समेत तमाम अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई। भांडा फूट गया कि पैसे के बल पे कैसे अब्बास अंसारी जेल में अपना राज चला रहा था और पत्नी मिलने जाया करती थी। तो ये अब्बास अंसारी ये रहे कि अब जेल में बंद है नवंबर 2022 से। ये वही अब्बास अंसारी हैं जो मार्च 2022 के चुनाव में सीधे सीधे अफसरों को चुनौती दे दी थी, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था जो आदर्श संहिता है उसके उल्लंघन को लेकर के। तब उन्होंने कहा था कि अखिलेश भैया से कह आया हूँ कि अभी इनका ट्रांसफ़र मत कीजिएगा, पहले हिसाब होगा फिर ट्रांसफ़र होगा। तो अब उसी अब्बास अंसारी के घर पर चला है बुलडोजर। दूसरा सवाल कि आखिरकार बुलडोजर क्यों चला, तो आपको बता दें कि ये जो दक्षिण टोला के जहांगीराबाद इलाके में मकान गिराया जा रहा है, ये अवैध जमीन पे बने और इसका नक्शा भी पास नहीं था। सिटी मजिस्ट्रेट ने इसे गिराने का आदेश दिया था। एक बात हर बार उठती है कि आखिरकार किस कानून के तहत ये मकान गिराए जाते हैं, तो आपको ये भी बता दें कि कोई भी वैध भूमि पर वैध तरीके से जो प्रॉपर्टी बनी है, जो मकान बना है, उसे नहीं गिराया जा सकता। जहाँ जहाँ बुलडोजर कार्रवाई होती है, या तो वो अवैध जमीन पे बनी है, अवैध जमीन तो जमीन ही होती है, अवैध इस सेंस में कि वो या तो सरकारी जमीन है या किसी दूसरे की है, इस सेंस में अवैध बोला जाता है, या नक्शा पास नहीं हुआ है, अब मनमानी तरीके से बनाया गया है, या नक्शा पास कराया गया है लेकिन उसके कुछ भाग को नक्शे के विपरीत बनाया गया है, तब जाकर के बुलडोजर कार्रवाई होती है कि ये आपका अवैध है। उससे पहले आनन फानन में जो भी प्राधिकरण या निगम है वो नोटिस भी जारी करता है कि आपका ये पोर्शन अवैध है या ये अवैध तरीके से बना है, लिहाजा इसको इतने घंटे इतने दिन के अंदर हटा लीजिए अन्यथा कार्रवाई होगी। चूँकि उतने
देर में हटाना संभव नहीं होता है, इसलिए बाबा का बुलडोजर गरजने लगता है। तो एक तरफ प्रयागराज में बुलडोजर चल रहा था, दूसरी तरफ मऊ में, जिसको लेकर के खासी चर्चा हो रही है। राहत पाने के लिए अब्बास अंसारी और उमर अंसारी जो है हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां से खबर है कि राहत नहीं मिली, इसके बाद ये कार्रवाई हुई है। आपको एक और बात बताएं कि जो प्रयागराज शूट आउट हुआ था, उस शूट आउट के बाद एक मुख्तार अंसारी का भी शूटर पकड़ा गया है। अभी पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि क्या इस शूटर का भी कोई कनेक्शन है उधर से या नहीं है। लेकिन एक बात तो तय मानिए कि चाहे अतीक अहमद हो और चाहे मुख्तार अंसारी, इनका जो है पूर्वांचल प्रयागराज से लेकर के बनारस तक एक छत्र राज चलता था, और अभी भी वो वही चलाना चाहते हैं जो कि योगी राज में संभव नहीं है। रही रहे बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।